Thank you.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। डियर डिवोटीज, आरती टाइम नाउ वी डू फेस टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा and just now we will be reciting the aarti. Panditji will be reciting the aarti with all of us there. After that Maharaji's pravachan will be given. Priya bhakto, abhi aarti ka samay ho gaya hai, bhagwan ki aarti karenge aur uske baad theek isi tarah se hum aakar baith jayenge. Abhi bhagwan ki taraf mukh karke udhar hum aarti karenge aur uske baad yahan par baith karke amrit vani ko bhagwan I'm not afraid to die.
कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिषु गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विघ्नं राधे त्वं नयमाम चरणान्तिके भक्त्या विहीनाय पराधलक्ष्यै चित्त्वाश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट हूं विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी के चरण कमलों में कोटिशः दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूं। पुनः अपने शिक्षा गुरु श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में भी मैं श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव सो मेनी दंडवत प्रणाम इन द लोटस फीट ऑफ माय होली मास्टर नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद श्रीषम भक्ति प्रज्ञान के स्वामी स्वामी महाराज एंड माय शिक्षा गुरु श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। हियर शुड आई स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश? मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पर हिंदी के भी समझने वाले काफी लोग हैं, तो
यदि बोलूंगा हिंदी में तो ये लोग तो काफी लोग नहीं समझ सकेंगे, मैं क्या करूं, आप परामर्श दीजिए, मैं जरा कम सुन रहा हूं सर्दी के कारण। Both of them there, it could be there, you could be mixing up the both languages there, but mainly in Hindi. But my delivery is so good. I wanted to speak in Hindi, but they will not. Yes, they won't understand it. My English is very poor. A little bit Hindi and then I'll say. Udhar sab halla kare wale mara Hindi, udhar sab halla kare wale Hindi boli. Hindi and tomorrow in Hindi. Today you must you can speak in Hindi. You can speak in Hindi and tomorrow it will be tomorrow. Pundari Prabhu can do some translation. Oh, very good. The request in Hindi. Main ye samajhta hu, I am thinking that I should speak in Hindi and Pundari Prabhu will translate in English. Another day I will speak in. Tomorrow in English. Mm. Tomorrow all in English there, but it's but sometimes I will be speaking English also. मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मैं यहाँ इंग्लैंड में नहीं बल्कि मालूम होता है कि मैं अपने भारत के वृंदावन इत्यादि स्थानों में हूं। आई एम थिंकिंग दैट आई एम इन वृंदावन, इन द ग्रोव्स ऑफ वृंदावन वेयर राधा कृष्ण इज देयर एंड हिज फैमिली ऑल आर हियर, also his manifestation Sri Ramchandra is here. All are here, so among them I am speaking. मैं उन लोगों के बीच में ऐसा समझ रहा हूं कि मैं भारत से दूर नहीं, मैं वहीं पर हूं और मुझे यहां पर भारतीयों को देख करके बड़ा आनंद हुआ कि ये लोग अपनी संस्कृति को भूले नहीं हैं, कृष्ण और राम का स्मरण करते हैं, राधा जी सीता इत्यादि जी का स्मरण रखते हैं ये लोग। आज मैं कुछ भगवत कथा का चर्चा करना चाहता हूं। टुडे आई वांट टू स्पीक अबाउट और वैदिक कल्चर एंड नॉलेज। वेद अपौरुषेय है, वेद को किसी ने बनाया नहीं, वेद भगवान का शाब्दिक रूप है। यदि किसी मनुष्य का बनाया होता तो उसमें बहुत सी गलतियां होती, किंतु वेद का एक एक अक्षर परम सत्य है। हम उसको अनुभव नहीं करते, इसलिए कहीं कहीं पर मालूम होता है कि वेदों में कुछ असत्य भी है, किंतु वेद में एक अक्षर भी असत्य नहीं। वेद आदमी समझते नहीं, आजकल कठिन भाषा संस्कृत भाषा में है, उनको समझाने के लिए वेदव्यास ने आज से 5000 वर्ष पहले बहुत से पुराण लिखे। 18 पुराण उन्होंने लिखे, 18 उप पुराण और 18 शाखा पुराण, 36 पुराण उन्होंने लिखे। वेद इज इन सो मिस्टीरियस लैंग्वेज एंड हार्ड लैंग्वेज इंग्लिश संस्कृत दैट टुडे पीपल कैनॉट इमेजिन द डीप मीनिंग्स ऑफ Vedas. Vedas are incarnation of Krishna himself, God himself. So he wrote some Puran, 36 Purans. Puran ka maane kya? Puran ka arth
वेदों के अर्थ को जो पूर्ण करते हैं उनको पुराण कहते हैं, वेद से भी पुरानी जो हैं उनको पुराण कहते हैं। ये पुराण भगवान के शाब्दिक अवतार हैं। व्यास जी ने पीछे से इनको समझने के लिए महाभारत की रचना की। इस तरह से जब उन्होंने महाभारत की भी रचना की, वेदांत शास्त्र की रचना की, वेदांत मीन्स वेद का अंत सार। क्या सार है? भगवत उपासना ही वेदों का प्रतिपाद्य विषय है। लोग कहते हैं जी भगवान कहां है, किंतु वेद कहते हैं सारे वेदों का तात्पर्य या प्रतिपाद्य विषय भक्ति है, कृष्ण ही उसके, राम ही उनके प्रतिपाद्य हैं। वेदों में मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग इत्यादि बहुत से विभाग हैं, अरण्यक इत्यादि उपनिषद है। उसका सार भाग यह है कि विश्व का संचालन करने वाले एक ब्रह्म है, द क्रिएटर, ऑब्स्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर ऑफ द होल यूनिवर्स इज वन विदाउट सेकेंड, एक है। इसलिए हम लोगों की उनकी उपासना करनी चाहिए। हम जीव अभी जितने हैं उनके पार्ट एंड पार्सल हैं। वी ऑल द जीवज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट सेम गॉड। हम लोगों की इस शरीर के अंदर में आत्मा है, ये सब परमात्मा के अंश हैं और भगवान के स्वरूपतः भगवान के सेवक हैं। हम लोगों ने उनको भुला दिया और भूलने के वजह से माया ने हमें इस संसार में जन्म और मरण के चक्कर में फेंक दिया। इस तरह से नाना प्रकार की योनियों में हम घूम रहे हैं, एक दो योनि नहीं, जब से पृथ्वी की सृष्टि अनादि काल से आरंभ हुई है तब से हम किसी न किसी रूप में हम जन्म ले रहे हैं और जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए नाना प्रकार के कष्टों को, त्रितापों को हम लोग भोग रहे हैं। कभी मनुष्य हो रहे हैं, कभी गधे, कभी सुअर, कभी घोड़े, कभी देवता, कभी गंधर्व, कभी धनी, कभी गरीब, कभी कुछ रूप में हमारा जन्म हो रहा है। किंतु जन्म के बाद ही में हम लोग भूल जाते हैं इसे, उस समय भूल करके ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज करो, इसमें फंस जाते हैं, भगवान का स्मरण नहीं करते। किंतु कभी कभी भगवान इस जगत में अवतरित होकर वेद पुराण के उपनिषद इत्यादि के माध्यम से कभी 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 अपने प्रिय भक्तों को, ऋषि मुनि और भक्त के रूप में जन्म ग्रहण कराकर हमें उपदेश देते हैं। देखो हम इस जगत में रिफ्यूजी होकर के आए हैं, हमको इस जगत में नित्य काल नहीं रहना है। वी आर लाइक रिफ्यूजीज इन दिस वर्ल्ड। मरने के बाद में हम यहां का कुछ भी नहीं ले जाएंगे, सारा वैभव रहा रह जाएगा यहीं। इस पर विचार करो, यह सुंदर शरीर भी रह जाएगा, अंत में इसे जला करके राख कर दिया जाएगा,
और यदि नहीं जला किसी कारण से तो इसमें कीड़े हो जाएंगे या सुअर गिद्ध और दूसरे जानवर लोग इसे खा लेंगे और टट्टी कर देंगे। अभी जो शरीर बहुत सुंदर है बुढ़ापा होने पर जर्जर हो जाएगा, गाल पिचक गए जाएंगे, दांत टूट जाएंगे, केश सफेद हो जाएंगे, चल फिर नहीं सकेंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी और सबको छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए यदि सुखी होना चाहते हो, इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी यू विल हैव टू सर्व कृष्णा, जरूर आपको सेवा करना होगा। इस जीवन में कोई भी सुखी नहीं हो सकता है जब तक कि भगवान का स्मरण न करे, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। इसीलिए भगवान कृष्ण श्रीमती राधिका गोपियों के सहित में जगत से उस गोलोक वृंदावन से अवतरण करते हैं, श्री रामचंद्र साकेत धाम से कृष्ण ही राम के रूप में यहां पर जगत में आते हैं, वे कभी कभी नृसिंह रूप में आते हैं, कभी कभी दूसरे अवतारों के रूप में आते हैं, कभी कभी अपने भक्त नारद को, हनुमान जी को, प्रहलाद महाराज जी को, ऐसे लोगों को भेज देते हैं जो हमको चिताए। चैतन्य चरितामृत में ऐसा कहा गया है, श्रीमद्भागवत में ऐसा कहा गया है कि कोटि कोटि जन्मों के भ्रमण करने के बाद में हम लोगों को बड़े सौभाग्य से मनुष्य का जन्म मिला है। या इसी मनुष्य जन्म में हम भगवान को की आराधना करके उनको पा करके हम समस्त प्रकार के दुखों को पार कर सकते हैं और नित्य सुख हम प्राप्त कर सकते हैं और किसी दूसरे जन्म में नहीं। लद्धा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते मानुष्यम अर्थदम अपीह धीर तूर्णम जतेत न पतेत अनुमृत्यु जावत निशेषाय विषय खलु सर्वतस्या। ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभता के साथ में बहुत जन्मों के बाद में भगवान ने कृपा करके ये दिया। देत एष बिनु हेतु सनेही, बिना किसी कारण के भगवान बड़े दयालु हैं इसलिए मनुष्य शरीर दिया। भोजन करने के लिए, खाने पीने के लिए, भोग करने के लिए नहीं दिया, भगवान का स्मरण कर उनकी आराधना करके पुनः हम अपने पूर्ण स्थिति में पहुंच जाए, स्वाभाविक स्थिति में, इसलिए दिया। जितने प्रकार के जन्म है उसमें मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ है, ये भी 400,000 प्रकार का बतलाया गया, एक दो प्रकार के नहीं। शरीर मनुष्य सा है किंतु करते हैं काम पशु सा। जो लोग भगवान का भजन नहीं करते वो पशुओं में गधे के समान में बतलाए गए हैं शास्त्र में, क्योंकि कोई अंतर नहीं है उनके जीवन चर्चा में। वो लोग भी खाते पीते हैं, हम लोग भी खाते पीते हैं, वो लोग भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, उनको भी बच्चे पैदा होते हैं, हमको भी होता है, अंतर कहां। वो भी मृत्यु से डरते हैं, हम भी मृत्यु से डरते हैं, बस खाने पीने के हम लड्डू कचौड़ी खाते हैं, महान भोग खाते हैं और वो लोग टट्टी खाते हैं। सुअर क्या खाते हैं, उनको भी बच्चे होते हैं, हमको भी होता है, इसमें कोई पार्थक्य नहीं है। पार्थक्य कहां है, हम सत्संग करके भगवान को जान सकते हैं, आत्मा को इसके अंदर में क्या है जान सकते हैं। ये सबसे पहले याद रखिए, मैं यह फिजिकल बॉडी नहीं हूं, आई एम नॉट दिस फिजिकल बॉडी, ये इसको तो छोड़ना होगा। भगवान ने दिया है और इसका यदि मिस यूज किया आपने तो वो कॉल फॉर करेंगे, उस समय कोई उत्तर देता नहीं बनेगा,
उस समय कठिन से कठिन यंत्रणाएं आपको भोगनी पड़ेगी यदि भगवत भजन नहीं किया मनुष्य रूप को पा करके। इसलिए कहते हैं इन मनुष्यों में जो कुछ लोग भगवान पर विश्वास करते हैं ये मनुष्य शब्द वाच्य है, किंतु ये भी जानते हैं कि भगवान की भक्ति के द्वारा उपासना के द्वारा हम इस शरीर को छोड़कर के मन बुद्धि को सबको छोड़कर के नित्य काल के लिए हम सुखी हो सकते हैं। भगवान को पाने के लिए जितने भी साधन हैं उसमें तीन को प्रधान माना गया, कर्म ज्ञान और भक्ति। गीता में इसका उपदेश दिया गया, किंतु फिर भी कर्म भगवान तक नहीं पहुंचा सकता, ज्ञान भगवान तक नहीं पहुंचा सकता, केवल मात्र भक्ति ही भगवान तक पहुंचा सकती है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। इन गीता से गीता में उन्होंने बतलाया हमारा शरणापन्न हो जाओ, हमारी आराधना करो, मैं समस्त दुखों से तुम्हें छुटकारा प्राप्त कर दूंगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। किंतु एक बात है, भक्ति कहते हैं किसे, आजकल भक्ति के नाम पर बहुत से ऐसे मिश्रित बातें चल रही हैं जो भक्ति नहीं है, इसलिए भक्ति का स्वरूप जान लेना अच्छा है। वी नो दैट विदाउट भक्ति वी कैनॉट अचीव कृष्ण प्रेम एंड वी कैनॉट बी ओवरकम फ्रॉम दिस डिस्ट्रेसेस एंड ऑल थिंग्स। बट व्हाट इज भक्ति नाउ एडेज इन अवर सोसाइटी, इन द नेम ऑफ भक्ति देर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन द नेम ऑफ भक्ति, बट दे आर नॉट भक्ति एक्चुअली, वो भक्ति नहीं है। इसलिए भक्ति का स्वरूप समझना चाहिए, भगवान का स्वरूप समझना चाहिए, जीव का स्वरूप समझना चाहिए। हु एम आई, हु इज कृष्ण, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉड, हु इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, व्हाट इज माया, माया क्या है समझो। जब तक इन चीजों को नहीं समझेंगे भक्ति को हम नहीं समझ सकते हैं। भक्ति के लिए एक श्लोक बतलाया गया, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। हु इज कृष्ण, कृष्ण कौन है? इस जगत के सृष्टिकर्ता पालयिता और उसके रक्षाकर्ता को भगवान साधारण रूप में कहा जाता है या ब्रह्म कहा जाता है। ये विश्व में दो नहीं है, एक ही है। जैसे गॉड शब्द, खुदा शब्द, अल्लाह शब्द सबका करीब करीब थोड़ा थोड़ा एक ही समान इसके अर्थ होते हैं। गॉड मैन में भी वही होता है, जी जी मैंने जनरेटर, अब मैंने ओ मीन्स ऑपरेटर, डी डिस्ट्रक्टर। हमारे यहां भी वेदों में भी ऐसा ही लिखा गया, जन्मादस्य जतः, जिसे जन्म मृत्यु और पालन जो करते हैं उनको ब्रह्म कहते हैं। भगवान के जितने भी प्रकार की प्रतीतियां हैं कृष्ण के लिए कहा गया, वेदों में भी, उपनिषदों में भी, गीता में भी, भागवत में भी, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
कृष्ण ही स्वयं भगवान है, तब राम कौन है? राम दूसरे भगवान नहीं है, ही इज नॉट सेकंड भगवान और गॉड, डिफरेंट। शंकर जी भगवान नहीं है, ये अलग से। दुर्गा जी भगवान नहीं है। किस रूप में इसको ग्रहण करना चाहिए? कृष्ण ही कभी कभी राम के रूप में, कभी कभी नृसिंह के रूप में, कभी वामन के रूप में, परशुराम इत्यादि के रूप में अवतरित होते हैं। जैसे एक ही चंद्र कभी पूर्णिमा, कभी अष्टमी, कभी सप्तमी के रूप में देखा जाता है। अलग अलग सप्तमी प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, चतुर्दशी और पूर्णिमा अलग अलग नहीं, एक ही चंद्र की विविध प्रतीतियां हैं। कहीं ऐसी भी स्थिति है जहां से हम देख सकते हैं एंगल ऑफ विजन के द्वारा, जो चंद्र सब समय पूर्ण ही रहता है? इसलिए अलग अलग चीजें नहीं है। उसी प्रकार से राम कृष्ण इत्यादि सब एक ही परम ब्रह्म है, जिसमें शक्ति की पूर्णता और रस की पूर्णता हो, उसे स्वयं भगवान कृष्ण कहा गया है। एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान। कृष्ण ही राम के रूप में आए हैं, किंतु राम अवतरित होने पर केवल सीता के साथ में रहेंगे मर्यादा की रक्षा करते हुए। उस समय तरह तरह के बहुत से विवाह भी नहीं करेंगे। कोई कहे जैसे हम आपकी स्त्री होकर के आपकी सेवा करेंगे, नहीं ग्रहण करेंगे। कृष्ण के रूप में जो कोई आराधना करे, जैसे भी, तमेव माता च पिता तमेव, ये कृष्ण के लिए ही संभव है, दूसरों के लिए नहीं। कृष्ण को आप पति मान सकते हैं, कृष्ण को आप उपपति मान सकते हैं, कृष्ण को आप अपना सखा मान सकते हैं, कृष्ण को अपना प्रभु मान सकते हैं, कृष्ण को अपना गुरु मान सकते हैं, कृष्ण को अपना बेटा मान सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं कृष्ण के लिए। राम को पति नहीं मान सकते। यदि पति भी मानेंगे तो कहेंगे अच्छा मैं तुम्हारे ऊपर में प्रसन्न हूं, तुम कृष्ण लीला में आना तब तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। उस रूप में नहीं करेंगे। उस समय जनकपुर की राज दुलारियों ने राम को देख करके मुग्ध हो गई और वर मांगा जी हम आपकी स्त्रियां बने। उन्होंने कहा अच्छा 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 तब तुम आना, द्वापर युग में मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। इस रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम। नृसिंह भगवान की उपासना कोई इस रूप में नहीं कर सकता। वो सारे दुखों को, कष्ट को हरण करेंगे, वही कृष्ण ही है, उस रूप में प्रकटित है। किंतु दुर्गा जी शक्ति उनकी है, वो स्वयं नहीं है, उनकी शक्ति है, इसलिए भगवती हैं। भगवती के भी दो रूप हैं, एक शुद्ध रूप राधिका जी और दूसरा रूप छाया के रूप में इस जगत के धन पुत्र और परिवार को देने वाली ये भगवती है। दोनों को एक मानने से गड़बड़ हो जाएगा। एक ही परिवार के हैं किंतु उसको उस रूप में मानना पड़ेगा। इसलिए ये सब चीजें समझना पड़ेगा। जो कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, जितने देवता देवी हैं सब उनके दास सेवक हैं। शंकर जी उनके सखा भी हैं, मित्र भी हैं और इस जगत में कभी कभी प्रभु भी बन जाते हैं, किंतु हैं उनके सेवक, उनकी शक्ति है। सब समय राम राम उच्चारण करते हैं, कृष्ण कृष्ण, वृंदावन में गोपीश्वर बने हुए हैं और उनकी उपासना करते हैं। जीव उनका सेवक है जितने विश्व में है। जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास।
हम लोग सभी कृष्ण के दास हैं, उनको भूल करके इस जगत में आए हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि उनका सर्वदा सदा हम उनकी उपासना करें, उनको स्मरण करें। कैसे स्मरण करें? भक्ति के द्वारा। कैसे भक्ति? क्या उसी के लिए मैं बतला रहा था कि भक्ति किसको कहते हैं। आई वॉज टेलिंग अबाउट भक्ति, दैट व्हाट इज भक्ति। अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अध्ययनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्ति के दो लक्षण बतलाए गए, एक स्वरूप लक्षण, एक तटस्थ लक्षण। अपनी सारी इंद्रियों से, मन से, जितनी प्रकार की चेष्टाएं हो सकती हैं, कृष्ण का अनुशीलन करना, कृष्ण की उपासना करना भक्ति है। किंतु दो लक्षण जो बतलाए गए और तटस्थ, वो ये बतलाते हैं, देखो भक्ति करते समय यदि अपने संसार की कामनाओं को उसके बदले में तू मांगता है तो वो भक्ति भक्ति नहीं रहेगी। ध्रुव जी ने घोर तपस्या की, किस लिए की? ध्रुव हैड डन वेरी हार्ड ऑस्टेरिटीज, बट फॉर व्हाट थिंग? किस लिए? राज्य के लिए, वनली टू हैव किंगडम, राज्य के लिए किया। करने के बाद में 6 महीने तक, यहां तक कि जल भी छोड़ दिया, हवा भी छोड़ दी और समाधिस्थ हो गए, भगवान ने उनको दर्शन दिया और 36,000 वर्ष के लिए एक छत्र पृथ्वी का राज्य दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। जब अंतर्ध्यान हो गए तो हाय हाय करने लगे, अरे प्रभो मैं ठगा गया, मैं खोजता रहा था कांच, किंतु हमको भाग्यवश चिंतामणि मिली और हमने उसकी उपेक्षा कर दी। आपका दर्शन पा करके और आपसे भक्ति नहीं मांग करके मैंने ये राज्य मांगा, ये कितना दिन तक रहेगा? इसको तो छोड़ करके जाना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने गलती की। 36,000 वर्ष उनको भोग करना पड़ा और इसके बाद में उनको ध्रुव की गति हुई, जहां पर भी ध्रुव तारा देखते हैं कि अचल ध्रुव है और सूर्य भी उसकी परिक्रमा करता है, स्थाई। ये जगत सब अस्थाई है, क्षणभंगुर। किंतु प्रहलाद महाराज जी को देखिए, भगवान ने कहा जे वर मांगो, उन्होंने कहा जे मैं बनिया नहीं हूं, आई एम नॉट ए मर्चेंट बनिया, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, आई डोंट वॉन्ट टू बी रिपेड एनीथिंग, कुछ भी हमको नहीं चाहिए, हमको आपके चरणों की भक्ति चाहिए। इस प्रहलाद महाराज जी से भी हनुमान जी को देखिए, दिन रात उनकी सेवा करते हैं। ये हनुमान जी और कोई नहीं है, शंकर जी हैं। शंकर जी भगवान राम की सेवा करने के लिए बने हुए हैं, हनुमान बने हुए हैं। कैसे सेवा करते हैं ये हनुमान जी और शंकर जी? कृष्ण की सेवा करने के लिए वृंदावन में गोपीश्वर बने हुए हैं, स्त्री का वेश धारण कर कृष्ण की सेवा करने के लिए दिन रात कृष्ण कृष्ण में तन्मय हो जाते हैं। इसलिए कोई भी अभिलाषा न हो, अपने लिए कोई भी चीज भगवान से मत मांगो, उनके चरणों में प्रेम वश मांगो और ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। माने क्या? जब तक हम जीवित हैं हमें कुछ कर्म करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करते हैं तो आप झूठे हैं। श्वास लेना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा, आंख से देखना भी पड़ेगा। इफ यू आर टेलिंग दैट आई विल डू नथिंग, इट इज क्वाइट रॉन्ग। यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू ब्रेथ, यू हैव टू ईट समथिंग, यू हैव टू सी, यू हैव टू वॉक, विदाउट दिस यू कैनॉट बी। इसलिए कुछ जरूर करना पड़ेगा, किंतु ऐसा कर्म मत करो जिसमें फल भोग की अभिलाषा हो,
और ऐसा मत करो जिससे कृष्ण को भूल जाओ। कर्म भक्ति के अनुगत होकर के किए जाएं, जो कुछ करो भगवान के लिए करो, तब तो ठीक है। और यदि ऐसा करते हो जो भगवान को भूल जाते हो, जैसे बेटा हमें होना चाहिए ठीक है, संपत्ति होने भी ठीक है, किंतु ऐसी संपत्ति ना हो जाए कि भगवान का भजन करना ही हम भूल जाएं, ऐसा मत करो। रावण को बहुत संपत्ति थी, सोने की लंका बनी थी, उसके 101 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे, पुष्पक विमान में चलता था, उसके घर में पवन देव झाड़ू देते थे, मेक उनके घर में अपने आप जरूरत होती तो पानी का सब काम करते थे, सभी देवता लोग उसके सेवक थे। किंतु राम का विरोध करने के कारण, सीता हरण के कारण वह मारा गया। वो धन संपत्ति काम नहीं दी। इसलिए कर्म ऐसे नहीं होने चाहिए जो हम भगवान को भूल जाएं। आप लोग कर्म कीजिए, जन्म जब ग्रहण किया है जो कर्तव्य है आप कर्तव्यों का पालन कीजिए, किंतु ये मत समझिए कि ये मेरी स्त्री है, ये मेरा बेटा है। आप समझिए ये कृष्ण के सेवक हैं, सेविका है, और उसके साथ में प्रेम पूर्वक व्यवहार हो और दोनों मिलकर के सभी परिवार मिलकर के भगवान का भजन कीजिए, तब तो वो संसार कृष्ण का संसार है। खाओ पियो मज करो, मांस मछली शराब गोश्त जो कुछ मिलता है सब खाने के लिए है, ऐसा मत समझो। आकाश में जितने विचरण करने वाले हैं सभी हमारे खाने के लिए है, केवल एक पतंग नहीं खा सकते जो उड़ाते हैं बच्चे ना। और जितने चौपाए हैं हमारे खाने के लिए, केवल चौपाई माने खटिया, खाट पलंग होता है, ये केवल नहीं खा सकते, और बाकी भगवान ने हमको सबको खाने के लिए बनाया, ऐसा मत समझो। संयम पूर्वक रहो, तामसिक चीजों का व्यवहार मत करो, और शुद्ध होकर के भगवान का भजन करो। सबको समझो, ये हमारे कृष्ण के परिकर हैं, कृष्ण के सेवक हैं और सेविकाएं हैं। जितनी जगह को देखो ये मत समझो ये हमारे लिए बिहार की भूमि है, ये सोचो ये कृष्ण की बिहार भूमि है, ऐसा देखो। पृथ्वी को अपना भोग्य मत समझो, ये सोचो जी ये कृष्ण का भगवान के लिए बिहार भूमि है ये, तब तो आप लोग बच सकेंगे माया से, अन्यथा जन्म जन्मांतर तक भगवान के इस माया में ऐसे पिशाची आपको जलाएगी कि सब कुछ हरण कर लेगी और सब समय हमें दुख होगा, फिर दूसरा जन्म भी हमारा दुख के लिए होगा, ऐसा समझ करके भगवान की उपासना करनी चाहिए। एक कीर्तन कर दीजिए तो ट्विंकलिंग, और तब हमारे ये थोड़ा सा उसकी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
I will divide
all these shlokas among you. So he distributed 1 lakh shlok among men, demigods and demons. 33,000. But still 1,000 shlok remained. Again he divided into three. Then one shlok was there. One shlok has 4 parts. He divided one part. One part has 8 letters. Then he gave to them two. Then 2 letters still remain. These 2 names are Ram or Krishna. Shankar told that I have did so much labor to divide this. So I will not divide these 2 letters. I will keep it in my heart. So Shankar is always reminding Ram, 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 Ram or Krishna. These 2 letters are the heart of all Vedas, Upanishads, Ramayana, Mahabharata and all epics. So, only by chanting these 2 names, Krishna or Ram, we can easily get the service of Krishna. And easily it will go all kinds of suffering, sorrows, everything. And we will go to by this name. So, our rishis, munis have discovered this name in Vedas, in Kalki Upanishad, that Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. This is the Kaljuk Naam Sankirtan. Kaljuk ka ye mahamantra hai. Is naam ko hum uchcharan karke kuch bhi na kare aur keval is savere shaam ko thoda sa naam kar de, भौर सागर को हम लोग पार कर जाएंगे. कोटि कोटि यज्ञ, कोटि कोटि तपस्या, लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टोरी एंड ऑल अदर्स मीन्स कैन इट बी इक्वल टू नेम. नाम के बराबर ये नहीं हो सकते हैं. इसलिए कलयुग में हरि नाम करके शायद ही भौर सागर को पार कर जाए. अपना अपना वे संसार में रहते थे. इससे और कोई सस्ता, सुगम, सरल, सहज कोई उपाय. गौ प्रणामी. On general picture of Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, directed by Srila Maharaj. Very wonderful. So we advise we only could bring 50 copies. And because we came today with car, we had not so much place in car, we could only bring about 15 copies to Birmingham. We left the rest in London. So those of us who are here who are eager to obtain beautiful Bhagavad Gita, it is available at the book table at the rear of the mandir. Yes. So this is Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur's Bhagavad Gita with a commentary of Srila Maharaj. Srimad Bhagavad Gita Granta Ki Jai. Srila Maharaj Ki Jai. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur Ki Jai. Nita Govinda. Oh,
So tomorrow, and thus get some life and enjoy your ass. Srila Narayan Maharaj.